हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास बेटा। टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर 3 फ्रॉम बुक द पैक्ट विद द सन। ओपन योर बुक पेज नंबर 7। ओके, नेम ऑफ द चैप्टर इज द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड क्या होता है बेटे? शेफर्ड होता है चरवाहा। चरवाहा मीन्स जो भेड़ बकरियां को चराता है, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसको बोलते हैं शेफर्ड। शेफर्ड्स ट्रेजर मतलब एक चरवाहे का खजाना, ट्रेजर होता है खजाना। वी हैव सम इंट्रोडक्टरी पोइम्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार एक गरीब चरवाहा था जो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो अनपढ़ था, अनएजुकेटेड का मतलब है अनपढ़ था, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान और हेल्पफुल मतलब दूसरों की हेल्प करने वाला था, सहायक था। The king decided to meet him in disguise. तो राजा ने एक बार डिसाइड किया कि वो उसको, डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा भेस बदल कर, ठीक है, डिस्गाइज भेस बदल कर। तो वो उसको डिसाइड किया राजा ने कि वो उसको भेस बदल के उस चरवाहे को मिलेगा। लेट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज़ वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना खुद का एक छोटा सा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, और लर्न टू रीड एंड राइट, और ना ही उसने लिखना पढ़ना सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में स्कूल्स थे जो वो बहुत कम थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। वो चरवाहा था जो बहुत ही गरीब था और अनपढ़ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज मीन्स बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वो समझता था लोगों के दुख, सॉरोज होते हैं बेटे दुख, एंड ट्रबल्स, ट्रबल्स होती हैं उनकी परेशानियाँ, मुसीबतें, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करता था उनका सामना करने में। विद करेज एंड कॉमन सेंस, करेज होता है बेटा उत्साह के साथ, और कॉमन सेंस होता है सामान्य ज्ञान के साथ। कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान, करेज उत्साह। तो वो लोगों की हेल्प करता था उनके दुख और उनकी मुसीबतों में, उनको प्रॉब्लम्स का सामना करने की मतलब उत्साह के साथ और सामान्य ज्ञान के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, विजडम होता है बुद्धिमत्ता मतलब समझदारी, तो बहुत सारे लोग वो अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से फेमस हो गया, मशहूर हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और उसका जो स्वभाव था वो भी दोस्ताना था, फ्रेंडली था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और फिर उसको मिलने का सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। तो भेस बदल के, डिस्गाइज्ड का मतलब बेटे पहले भी बताया मैंने आपको, डिस्गाइज्ड होता है भेस बदलना, भेस बदल के वो चरवाहे का भेस लेके आ गया। एंड राइडिंग इन ऑन अ मूल, और वो किस पे आया, मूल होता है बेटा खच्चर, मूल।
तो वो एक मूल पे आया। वन डे द किंग केम टू द केव, तो राजा एक चरवाहे का भेस लेके खच्चर के ऊपर उसकी गुफा में आया जहाँ वो रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उस चरवाहे ने देखा कि कोई यात्री उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, वो उठा उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए यात्री को अंदर ले गया अपनी गुफा के। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और उसने उसको अपना जो थोड़ा सा खाना था, मीगर का मतलब होता है बेटा रूखा सूखा, उसके पास जो भी था थोड़ा सा, उसका भी उसने हिस्सा उसे खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा था जो, वो उस रात उसी गुफा में उसने आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, और वो बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था उस चरवाहे की हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है बेटा मेहमान नवाजी, उसकी मेहमान नवाजी को देख के। एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, और उसकी समझदारी वाली बातों को सुन के। वाइज कॉन्वर्सेशन मतलब बुद्धिमत्ता की बातें। तो वो राजा था जो, वो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित था उस चरवाहे की मेहमान नवाजी और उसकी समझदारी को। ओके बेटे, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।